बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? जी बेटा, आज हम पढ़ेंगे ब्लड वास्कुलर सिस्टम एम्फियोक्सिस का। जिस तरह मैंने आपको पहले जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम एम्फियोक्सिस का पढ़ाया था, तो आज हम देख लेते हैं ब्लड वास्कुलर सिस्टम एम्फियोक्सिस का। ठीक है, एम्फियोक्सिस का ब्लड वास्कुलर सिस्टम जो है उसका सेम वही बेसिक प्लान है जो दूसरे क्वार्टर्स में है, वही बेसिक प्लान है जो दूसरे क्वार्टर्स में है। यानी कि जिस तरह उनका ब्लड का वास्कुलर सिस्टम कंस्ट्रक्ट किया हुआ है अल्लाह ताला ने या नेचर ने, तो अल्लाह ताला ने तो बिल्कुल उसी तरह जो है वो तकरीबन उसी तरह ही जो है वो एम्फियोक्सिस का भी ब्लड वास्कुलर सिस्टम बना हुआ है। लेकिन इसमें एक पिक्युलरिटी है कि एज एन ऑर्गन हार्ट यहाँ पर आपको नज़र नहीं आएगा, एज एन ऑर्गन यहाँ पर आपको हार्ट नज़र नहीं आएगा। जैसे आप बड़े एनिमल्स में देखते हैं, मछली हो गई, एम्फीबियन हो गए, रेप्टाइल बर्ड्स में, अमेज़न में आप हार्ट को एक ऑर्गन के तौर पर देखते हैं जो पंप करता है ब्लड को। लेकिन यहाँ पर आपको इस तरह का कोई हार्ट नज़र नहीं आएगा, बस एक लंबी ट्यूब है जो पल्सेट करती है, जो पल्सेट करती है और ब्लड को पुश करती है। ठीक है, तो उसको जो है वो हार्ट कह देते हैं। और अगर आगे मैं आपको पढ़ाऊँगी इंशाल्लाह एम्फियोक्सिस में, सॉरी एवोल्यूशन ऑफ हार्ट पढ़ाऊँगी, तो हम उसमें पढ़ेंगे कि एम्फियोक्सिस जो है वहाँ से हार्ट की एवोल्यूशन जो है वो शुरू होती है, दैट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ द हार्ट। ठीक है, तो ये जस्ट एक पल्सेटिंग ट्यूब से पड़ी हुई है जिसको हम एम्फियोक्सिस का हार्ट कह देते हैं। एज सच जैसे हम एक पूरा हार्ट एक ऑर्गन के तौर पर पढ़ते हैं, उस तरह का ऑर्गन हमें यहाँ पर नज़र नहीं आएगा और ना ही इसके ब्लड में रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट जैसे हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होती है, और हीमोग्लोबिन की जो है वो का फंक्शन जो है वो जस्ट ये कि वो अपने साथ ऑक्सीजन को बाइंड करती है और बॉडी के हर सेल तक इसको प्रोवाइड करती है। तो इस तरह का कोई हमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है वो एम्फियोक्सिस में नज़र नहीं आएगा। अगर हम ब्लड सिस्टम देखें एम्फियोक्सिस का, तो उसके तीन मेन पार्ट हैं, एक वेंट्रल एओर्टा है, एक ब्रैंकियल वेसल है और तीसरा डॉर्सल एओर्टा है। आज मैं सिर्फ आपको वेंट्रल एओर्टा पढ़ाऊँगी, ठीक है, और इसको आप लोगों ने अच्छे से कर लेना है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एम्फियोक्सिस का ब्लड वास्कुलर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको अच्छे से कर लेना है। ठीक है, अब एक दफ़ा इसकी एक दफ़ा डायग्राम से गो थ्रू हो जाए तो फिर आपको आसानी रहेगी। ठीक है, ये है इसका ब्लड वास्कुलर सिस्टम। ठीक है, ये है इसका ब्लड वास्कुलर सिस्टम और दिस इज़ द वेंट्रल एओर्टा। ये सारा वेंट्रल एओर्टा है और इसी वेंट्रल एओर्टा को आज हमने पढ़ना है, सिर्फ ये वेंट्रल एओर्टा। ठीक है, अब इसको वेंट्रल एओर्टा क्यों कहते हैं? देखें, ये फेरेंक्स है, दिस इज़ द फेरेंक्स। ठीक है, दिस इज़ द फेरेंक्स एंड दिस इज़ द फेरेंक्स, दिस इज़ द मिड गट डाइवर्टिकुलम और दिस इज़ द इंटेस्टाइन, दिस इज़ द इंटेस्टाइन। ठीक है, ये ऊपर आपने ये वाले जगह नहीं देखी, ये वाली नहीं, इसके पीछे ये देखें, ये वाली इंटेस्टाइन है। ठीक है, अब हम अगर वेंट्रल एओर्टा को देखें तो ये फेरिंग्स के वेंट्रली पड़ा हुआ है, ये फेरिंग्स के वेंट्री पड़ा हुआ है और एंडोस्टाइल के नीचे पड़ा हुआ है, फेरिंग्स के वेंट्रली पड़ा हुआ है और एंडोस्टाइल के नीचे पड़ा हुआ है। ठीक है, अब एंडोस्टाइल के ये नीचे पड़ा हुआ है और फेरिंग्स के वेंट्रल पड़ा हुआ है, इसीलिए हम इसको वेंट्रल एओर्टा कहते हैं। अब अगर आप इसके पीछे जाएं तो यहाँ पर ये आपको एक फूली हुई जगह नज़र आएगी। ठीक है, इसको साइनस बोलेंगे, इसको साइनस बोलेंगे। और आगे जब ये हार्ट इवॉल्व करेगा मछलियों में हम देखेंगे, फिर वहाँ पर ये साइनस जो है ये एक हिस्सा बनता है हार्ट का जिसको हम साइनस विनोसिस कहते हैं। ये साइनस विनोसिस हमें मछलियों में भी नज़र आता है, ये साइनस विनोसिस हमें एम्फीबियन में भी नज़र आता है और अप टू क्लास क्रोकोडिलिया ये हमें रेप्टाइल में भी नज़र आता है। तो साइनस विनोसिस का आगाज़ जो है वो यहाँ से, उसकी एवोल्यूशन यहाँ से है, ये इसको हम साइनस कहते हैं। ये देखिए, ये फूला हुआ हिस्सा साइनस। ठीक है, और जो आगे जाके वेंट्रल एओर्टा बनाते हैं। अब देखिए, इस साइनस में
एक ब्लड वेसल ये आके खुल रही है और एक ब्लड वेसल ये आके खुल रही है, ठीक है। ये ब्लड वेसल जो है इसको हम कहते हैं हेपेटिक वेन, हेपेटिक वेन, क्योंकि ये लिवर से आती है। आपको मैंने बताया था कि मिडगट डिवर्टिकुलम जो है, मिडगट डिवर्टिकुलम या लिवर या हम उसको हेपेटोपैंक्रियाज भी कहते हैं, ये सारा जो है हिस्सा, तो यहाँ से ये अराइज करती है और इसको हम हेपेटिक वेन कहते हैं और ये जाकर खुलती है साइनस में। और देखिए एक ये डक्ट आ रही है, इसको हम डक्ट ऑफ क्यूवर कहते हैं, डक्ट ऑफ क्यूवर कहते हैं, ठीक है। एक ये और एक इसी तरह की दूसरी साइड पर, तो दोनों को मिलाएंगे तो हम डक्ट ऑफ क्यूवरी बोलेंगे, ठीक है। अच्छा अब इसको पहले डिसाइड कर ले, इसके बारे में हम पहले देख लेते हैं हेपेटिक वेन। हेपेटिक वेन से मैं पीछे जाऊँ तो ये देखें, ये आपको हेपेटिक पोर्टल वेन नज़र आ रही है, दिस इज़ द हेपेटिक पोर्टल वेन। और इससे पीछे ये वाली जो है, दिस इज़ द सब इंटेस्टाइनल। इसको सब इंटेस्टाइनल इसलिए कहते हैं कि ये इंटेस्टाइन के नीचे पड़ी हुई है, ये सब इंटेस्टाइनल इसको इसलिए कहते हैं कि ये इंटेस्टाइन के नीचे यानी कि इंटेस्टाइन की वेंट्रल साइड पर पड़ी हुई है। अगर हम इस सब इंटेस्टाइनल को देखें तो ये देखें इसमें डिफरेंट सेट ऑफ कैपिलरीज हैं जो ब्लड कलेक्ट करती हैं और आकर ये खुल रही हैं सब इंटेस्टाइनल में, और सब इंटेस्टाइनल रिसीव करती है ब्लड कॉडल रीजन से थ्रू कॉडल वेन, और उसके बाद ये सब इंटेस्टाइनल आगे जाती है और ये हेपेटिक पोर्टल वेन बना लेती है। हेपेटिक पोर्टल वेन जो है आप देखें वापस आती, अब आगे आती है और आकर ये मिडगट डिवर्टिकुलम में जो है वो कैपिलरीज में टूट जाती है, छोटी छोटी ब्रांचेस हो जाती हैं और कैपिलरी लेवल तक ये टूटती है और कैपिलरीज वापस फिर ब्लड कलेक्ट करती हैं और मिडगट डिवर्टिकुलम से बाहर निकल जाती हैं। और मिडगट डिवर्टिकुलम से जब ये बाहर निकलती है तो हम इस वेन को कहते हैं दिस इज द हेपेटिक वेन विच ओपन्स इन टू द साइनस, ठीक है। ऊपर अगर हम जाएं तो ये देखें, ये आपको एक और दो पोस्ट कार्डिनल नज़र आ रही हैं, एक और दो प्री कार्डिनल नज़र आ रही हैं, राइट लेफ्ट, ठीक है। और अगर आप इसका देखें तो ये डक्ट ऑफ क्यूवर यहाँ नज़र आएगी, एक आपको डक्ट ऑफ क्यूवर यहाँ नज़र आएगी, ठीक है। राइट पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड लेफ्ट पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। राइट पोस्ट कार्डिनल और लेफ्ट पोस्ट कार्डिनल, ठीक है, राइट पोस्ट कार्डिनल और लेफ्ट पोस्ट कार्डिनल, ठीक है। और ये कहाँ से ब्लड कलेक्ट करती हैं, बॉडी के पीछे वाले हिस्से की राइट साइड से राइट पोस्ट कार्डिनल करेगी और लेफ्ट साइड से लेफ्ट पोस्ट कार्डिनल करेगी, ठीक है। और इसी तरह हेड रीजन से या बॉडी के आगे वाले हिस्से से ये राइट प्री कार्डिनल हेड के राइट हिस्से से और ये लेफ्ट प्री कार्डिनल हेड के लेफ्ट पार्ट से, और ये देखो ये राइट प्री कार्डिनल और लेफ्ट प्री कार्डिनल मिलकर ये डक्ट ऑफ क्यूवर बना रहे हैं। इसी तरह लेफ्ट पोस्ट कार्डिनल और लेफ्ट प्री कार्डिनल मिलकर ये डक्ट ऑफ क्यूवर बना रहे हैं, और ये डक्ट ऑफ क्यूवर जो है राइट भी और लेफ्ट भी दोनों जो हैं वो आकर ये देखें ये साइनस में खुल रहे हैं, ये साइनस में खुल रहे हैं, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट द वेंट्रल एओर्टा, साइनस से फिर ब्लड जो है वो वेंट्रल एओर्टा में जाता है, ठीक है। अब इसको मैं एक दफ़ा और आपको बता देती हूँ कि वेंट्रल एओर्टा एक लंबी वेसल है जो वेंट्रल वॉल ऑफ फेरेंक्स में मौजूद है और एंडोस्टाइल के नीचे है, और ये दो मेजर वेन से ब्लड कलेक्ट करती है, एक को हम कार्डिनल वेन कहते हैं, दूसरे को हम हेपेटिक वेन कहते हैं। कार्डिनल वेन जो है वो हेड से कलेक्ट करती है राइट और लेफ्ट प्री कार्डिनल वेन्स की शक्ल में, जबकि पीछे वाले बॉडी का हिस्सा पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी जो है वहाँ से राइट और लेफ्ट पोस्ट कार्डिनल वेन ब्लड कलेक्ट करती हैं, और प्री और पोस्ट कार्डिनल दोनों जो हैं आइदर साइड के यानी कि राइट और लेफ्ट दोनों कंबाइन करती हैं और बनाती हैं डक्टस क्यूवरी, और जो खुलता है साइनस में जो कि पड़ा हुआ है वेंट्रल एओर्टा के बिगनिंग में। और आपको मैंने पहले ही बता दिया ये कंपेरेबल है टू द साइनस वेनोसिस ऑफ द हायर वर्टिब्रेट्स, जिसमें आपके पास पाइसिस और ये एम्फीबियन और रेप्टाइल्स अप टू क्लास क्रोकोडिलिया आते हैं। आगे आ जाएं तो ब्लड फ्रॉम द इंटेस्टाइन इज कलेक्टेड बाय द डिफरेंट सेट ऑफ कैपिलरीज आई शोन यू।
आई हैव शोन यू, और ईच सेट देन फॉर्म्स अ सिंगल वेन विच ओपन्स इनटू द लॉन्गिट्यूडिनल वेन कार्ड सब इंटेस्टाइनल वेन, दिखाई मैंने आपको जो कि इंटेस्टाइन के नीचे वेंट्रल साइड पर पड़ी हुई है। सब इंटेस्टाइनल वेन जो है वो रिसीव करती है कॉडल वेन जो ब्लड को लेके आती है टेल रीजन से यानी कॉडल रीजन से। सब इंटेस्टाइनल वेन आगे जाएगी और बनाएगी हेपेटिक पोर्टल वेन जो मिड गट डाइवर्टिकुलम जिसको हम लीवर भी कहते हैं उसके वेंट्रल बॉर्डर से अंदर इसके मिड गट डाइवर्टिकुलम में दाखिल होगी और स्प्लिट हो जाएगी, टूट जाएगी कैपिलरीज में और फिर एक और सेट कैपिलरीज का मिड गट डाइवर्टिकुलम से ब्लड कलेक्ट करेगा और यूनाइट होगा, मिल जाएगी वो छोटी छोटी कैपिलरीज और बनाएंगी एक बड़ी हेपेटिक वेन और हेपेटिक वेन खुल जाएगी जाके साइनस में और साइनस जो है वो आगे जो है कंटिन्यू होता है इन द फॉर्म ऑफ वेंट्रल एओर्टा। ब्लड जो है वेंट्रल एओर्टा में बहुत सारी छोटी छोटी ट्रांसवर्स वेसल से भी रिटर्न किया जाता है, वापस आता है। ठीक है, वेंट्रल एओर्टा में एक बात याद रखें कि इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, अब एक दफ़ा मैंने आपको ये ट्रांसवर्स भी दिखा दूँ। देखें ये वेंट्रल एओर्टा है, इसमें ये ट्रांसवर्स, ये ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स ये भी इसमें ब्लड लेकर आती है इस वेंट्रल एओर्टा में। ठीक हो गया। अच्छा, आज मैं आपको थोड़ा मैंने पढ़ाया है उसकी वजह यह है कि आपने इस डायग्राम को अच्छे से ड्रॉ करना सीखना है, बार बार ड्रॉ करना है। आपका काम ही ये है कि आप इसको कम से कम 5 दफ़ा ड्रॉ करें और मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर दिखाएं कि आप लोगों ने ड्रॉ किया है, और उसके बाद आप जो हैं इसकी जितना मैंने आज आपको पढ़ाया उसकी लेबलिंग करें, और लेबलिंग करने के बाद जो है इसको आप व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे साथ शेयर करें, मैं उसको चेक करूँगी। और आज आपको कम पढ़ाने का मकसद ही ये है कि आप इस डायग्राम को भी साथ अच्छे से तैयार करें कि कैसे ड्रॉ करना है, कैसे लेबल, क्या क्या उसकी लेबलिंग है, क्योंकि ये टॉपिक फिर से मैंने आपको पहले बताया कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है बेटा, थैंक यू, इट इज़ इनफ फॉर टुडे, अल्लाह हाफिज़।